ईयर माई सेल्फ सुष्मिता ओझा वेलकम टू स्मार्ट ई गाइड। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जावा की डेटा टाइप के बारे में कि डेटा टाइप क्या है, कैसे हम डेटा टाइप को यूज करते हैं, कौन कौन सी चीज को हम डेटा टाइप बोलते हैं, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। इसके ऊपर जो प्रोग्राम है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, पर आज जो है वो डेटा टाइप क्या है, कौन कौन सी चीज को हम डेटा टाइप बोलते हैं ये मैं बताऊंगी। डेटा टाइप का जितना सारा पार्ट है ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। पहले जो है डेटा टाइप दोनों टाइप्स में है जावा में, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड और एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये आप देख रहे हो प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, जो जावा का डिफाइन किया है, सिर्फ हम वैल्यू देंगे और डिफाइन किया जो नाम है डेटा टाइप का नेम है उस डेटा टाइप डिफाइन करके हम वैल्यू दे देंगे उस वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल में वैल्यू रखने के लिए एक टाइप डिफाइन करके देंगे कि ये सोचो एक वैल नाम का एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में हम ए नाम का एक डेटा रखेंगे या 15 डेटा टाइप रखेंगे, 15 नंबर का ही डेटा, नंबर को इंटीजर बोलता है, 15 नंबर का ही डेटा रखेंगे, वही है डेटा टाइप। एंड नॉन प्रिमिटिव क्या है, जो यूजर डिफाइन करता है। जैसे हम डिफाइन करेंगे माय नेम इज सुष्मिता ओझा, एक पूरा स्ट्रिंग फिगर है और उसको हम रखेंगे, स्ट्रिंग एक क्लास है, उस क्लास में हम जब डेटा रखेंगे तब बहुत सारा डेटा, इनफैक्ट बहुत सारा कैरेक्टर फिगर स्ट्रिंग में रखेंगे, ये यूजर डिफाइन करके रखेगी माय नेम इज सुष्मिता ओझा। बहुत सारा कैरेक्टर को एक साथ में यूज करके एक सेंटेंस बना, उस सेंटेंस को हम एक वेरिएबल में रखेंगे जो स्ट्रिंग में आएगी। और एरे है नॉन प्रिमिटिव, पहले ही बता देती हूँ एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो हम यूजर डिफाइन करते हैं, मेमोरी में जो लोकेशन जहाँ पे रहेगी वहाँ पे बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का डेटा रखने के लिए हम एक मेमोरी का लोकेशन वहाँ पे दे देते हैं, जैसे स्ट्रिंग, एरे, क्लास, ये सब। और ये जो क्लास है हम क्लास का नाम देते हैं, यूजर डिफाइन क्लास नेम होती है। जैसे मैं हेलो वर्ल्ड के टाइम पे प्रोग्राम दिखाने के टाइम पे एक क्लास नेम दी थी, वैसे ही यूजर ही डिफाइन करती है, वो मेमोरी में जाके उस नाम से हेलो वर्ल्ड नाम से रहेगी। और क्लास के अंदर बहुत कुछ रहता है, बहुत सारा डेटा रहती है और डेटा अलग अलग हो ही सकती है। डेटा टाइप्स जो है इंटीजर यूज कर सकते हैं या हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, ये सब अलग अलग पर एक मेमोरी लोकेशन में रहेगी। एरे है बहुत सारा, वहां पे भी हम साइज दे देते हैं एरे के, 10, 5, 6, 7 या डेटा यहाँ पे रहेगी, हम पहले एरे का डिफाइन कर देते। मैं एक एक करके वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को जहाँ पे एरे के ऊपर क्लास के ऊपर सब बहुत कुछ रहेगी। तो एरे भी हम साइज डिफाइन करके देते हैं और उसके अंदर बहुत सारा अलग अलग डेटा हम रख देते हैं। पार्टिकुलर कोई नेम का डेटा यहाँ पे नहीं रहती है, हम एक वेरिएबल का नेम देते हैं, वो भी हमारे यूजर डिफाइन, हम अपने हिसाब से अपने यूज के हिसाब से हम रखते हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम डेटा टाइप अलग अलग रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो एक मेमोरी लोकेशन में रहे। और ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये क्या है, एक क्लास है, ये डेटा टाइप नहीं है, एक क्लास है। एरे भी एक वेरिएबल जैसे ही है, वहां पे बहुत सारा डेटा रहती है एंड क्लास तो एक यूजर डिफाइन क्लास होती है, तो स्ट्रिंग एक क्लास है जो जावा का डिफाइन किया हुआ है। ये है एक बहुत सारा कैरेक्टर फिगर एक साथ में एक प्लेस में रख सकती है, जैसे माय नेम इज सुष्मिता ओझा, ये पूरा सेंटेंस है, बहुत सारा कैरेक्टर मिलके एक सेंटेंस बना हुआ है और वो एक प्लेस में रहती है। ये नॉन प्रिमिटिव है जो यूजर डिफाइन करती है एंड बहुत सारा डेटा को एक साथ में एक मेमोरी लोकेशन पे हम रख सकते हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वहां पे है कैरेक्टर, बोलियन, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और ये जो सब है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये जावा का डिफाइन किया हुआ है। इसका जो हम डेटा जब हम रखेंगे कहीं वेरिएबल पे तब क्या होगा, इसका टाइप डिफाइन करके देना पड़ेगा, जैसे कैरेक्टर ए से जेड तक एक एक करके जब हम यूज करेंगे तब किसी भी कैरेक्टर यूज करने के पहले कैरेक्टर बोल के देना पड़ेगा।
बोली हम क्या है ट्रू फॉल्स, किसी भी चीज के ऊपर कंपेयर करेंगे जब हम कि ये दोनों सही है, अगर सही है तो ट्रू दिखाएगी, फॉल्स है अगर कंपेयर करने के टाइम पे दोनों डेटा एक नहीं है तो फॉल्स दिखाई। ये कंपेयर करने के टाइम पे हम बोलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं ट्रू फॉल्स दिखाने के लिए। एंड फ्लोट क्या है, फ्लोट जो है वो है 1.2, 5.6, 4.3, 3.5, इसी टाइप का जो डेटा हम यूज करते हैं उसको हम फ्लोट बोलते हैं। एंड डबल जो है 2.5.63 या 7.2.08, इसके बाद का भी बहुत सारा फिगर पॉइंट के बाद बैठ सकती है या पॉइंट के पहले। डबल ऐसे है कि पॉइंट से पहले आगे एंड पहले बहुत सारा नंबर रहेगी, इसको हम डबल वैल्यू में देते हैं। एंड बाइट जो है वो 3 कैरेक्टर ले पाएगी, जैसे जैसे 100 200 236, ऐसे 3 डिजिट का जो नंबर होती है वो बाइट में होती है। शॉर्ट क्या है 3 या 4, जैसे 3000, 4 डिजिट का नंबर, 4 या 5 डिजिट का नंबर, जैसे 3000 5000, ऐसे 4 या 5 डिजिट का शॉर्ट में होती है। एंड इंट क्या है जो जैसे 1 लाख 2 लाख, जैसे 7 डिजिट का हो जाती है वो है इंटीजर में। उसके बाद है लॉन्ग, लॉन्ग जो है मोबाइल नंबर जैसे होती है वैसे 10 डिजिट का। तो और एक बार डेटा टाइप का बता देती हूँ मैं, कैरेक्टर जो है ए से जेड तक एक एक करके कैरेक्टर यूज करना, बोलियन ट्रू फॉल्स है। फ्लोट जो है पॉइंट वैल्यू में वो एक एक करके छोटा सा जो पॉइंट वैल्यू होती है 1.2, 3.5 ऐसे है फ्लोट में। एंड डबल जो होती है वो थोड़ा सा बड़ा, जैसे पॉइंट के पहले एंड बाद में 3 या 4 डिजिट का नंबर रहेगी, वैसे है डबल वैल्यू। एंड बाइट जो है, बाइट है 3 डिजिट का नंबर, 300 400, ऐसे लिखने के टाइम पे 100 फिगर में जब हम यूज करते हैं कुछ 3 डिजिट का हो जाती है, 3 डिजिट का नंबर है बाइट में। शॉर्ट जो होती है वो 4 या 5 डिजिट का, जैसे 1000 में जो आती है वो है शॉर्ट में। एंड इंट जो है 7 डिजिट का, 10 लाख 6 या 7 10 लाख 1 लाख 2 लाख, ये सब है इंटीजर फिगर में। एंड जो लॉन्ग है वो मोबाइल नंबर, जैसे मैं एक ही एग्जांपल यूज कर सकती हूँ जो समझने के लिए, वो है मोबाइल नंबर जब हम यूज करते हैं, मोबाइल नंबर अगर प्रोग्राम लिखने के टाइम पे यूज करें तो उसके पहले हम लॉन्ग देके उसके बाद मोबाइल नंबर हम डिफाइन करेंगे, ये है लॉन्ग डेटा टाइप। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया डेटा टाइप क्या क्या है, और एक बार आप देख लीजिए मेरे जो यहाँ पे फोटो मैंने दिखाया डेटा टाइप का, ये पूरा एकदम डेटा टाइप का ही दोनों यहाँ पे फिगर बनाया हुआ। और मैं जो नंबर बोला कि जितने सारे डेटा टाइप का जितने सारे डिजिट हम यूज करते हैं ये याद रखेंगे तो आपको डेटा टाइप डिफाइन करने में आसानी होगी। एंड कैरेक्टर या स्ट्रिंग में जो है, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग अलग है, कैरेक्टर एक एक करके कैरेक्टर ए बी सी डी ए से जेड तक, पर स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है, ये हम यूजर डिफाइन कर सकते हैं। एंड एकदम एक बड़ा सेंटेंस यूज करने के लिए हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं, स्ट्रिंग एक क्लास है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आज इतना ही, लाइक करना कमेंट करना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, पर कमेंट करना क्यों अच्छा नहीं लग रहा है और अच्छा लगने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये मुझे सजेस्ट करते रहना, मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझाने के लिए कोशिश करूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी कि कौन कौन सा चीज स्किप हो गया, तो जरूर मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी जानने के लिए, तो मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। एंड मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे आके भी बताना मैसेज करके कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज बताना है, या अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या क्या करना चाहिए मुझे जरूर बताना।
मुझे अच्छा लगेगी कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं। ऐसे सीखते रहिए एंड पढ़ते रहिए। आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।